तो गाइस ये रहा हमारा धुंधन मठ जहाँ पे शिव भोले बाबा का मंदिर है। और तो गाइस हमारे को मिल चुके बंदे यहाँ पे लिंक रोड के पास, और अभी चलते जरा भाई बंदे देख सकते पूरे सेटअप के साथ है वो तेरा। और ये पहुँचेगी दूसरे छोर पे, जरा मजा लेते टनल का। वाह साउंड अंदर यार बहुत ही गूंज रही है इसके एग्जॉस्ट की। अरे कहाँ गए? तो गाइस हम पहुंच तक गए एंड पॉइंट पर, यहाँ पे भाई क्लोज हो चुका है गेट गुड पूरा। अबे हट जाओ यार पुलिस वालों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो गाइस आज है 8 मार्च और आज है भाई महाशिवरात्रि। तो गाइस आज सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस मैं आ चुका हूँ भाई, आप देख सकते हैं बाइक पे तैयार होके, ये रही मेरी बाइक यहाँ पे। और भाई हम जा रहे हैं अभी बहुत दूर यहाँ से, तो आज का ब्लॉग रहेगा बहुत ही खास, क्योंकि भाई हम आज को दिखाने वाले आज के ब्लॉग में आपको मंडी की महाशिवरात्रि। तो भैया अभी यशु वगैरह मेरा वेट कर रहे हैं लिंक रोड के पास, तो मैं भी चलता हूँ यहाँ से। बैग वैग मैंने पैक कर लिया है भाई, मैं लेट हो गया बहुत ज़्यादा, अभी टाइम हो रहा है भाई 1:30। तो अभी देखते हैं भाई कितने बजे नीचे पहुँचते हैं हम और कैसा रहता है हमारा आगे का ट्रिप। तो अभी मैंने अभी चलते जरा यहाँ से, अभी मैं घर के पास ही हूँ, आप देख सकते भाई पूरा रेडी हो चुका हूँ मैं अपने, ये मेरा हेलमेट रहा, गोप्रो इसके आगे रहा, एक जैकेट और साथ में रखी है मैंने यशु के लिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते सीधा लिंक रोड के पास। और हाँ जा बोल बाहर उसको, देखते यार भाई कहाँ होगा बंदा हमारा, बुलाते इसके किया। तो गाइस ये रहा हमारा धुंधन मठ जहाँ पे शिव भोले बाबा का मंदिर है, और यहाँ से अभी हेलमेट ले रहे हैं भाई। और ये हमारा नीचे धुंधन ग्राउंड जहाँ पे अक्सर हम क्रिकेट मैच खेलते थे, अब नहीं खेलते भाई, पहले खेलते थे। पहले भाई मैं फंस चुका अपने धुंधन ट्रैफिक में, यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत ही गंदा ट्रैफिक लगता है भाई हमारे धुंधन यहाँ बाजार में। पर ये भी थोड़ा ऐसा है कि शुक्र है कि जल्दी से खुल भी गया, अदरवाइज भाई रात को लगा था यहाँ पे, आई थिंक रात को 1.5 घंटे के आसपास ट्रैफिक रहा जाम यहाँ पे। और यशु भाई फ़ोन पर फ़ोन करे जा रहे हैं अभी, ऑन कर हुआ ना ऑन। तो गाइस हमारे को मिल चुके बंदे यहाँ पे लिंक रोड के पास, और अभी चलते जरा भाई बंदे देख सकते पूरे सेटअप के साथ है वो तेरा सेटअप कहाँ है फ़ोन का? ये रहा भाई बंदे का सेटअप, दिखा जरा। ले रहा है हमारे से ओवरटेक, अरे थोड़ा आराम से चलियो बंदे, एग्जॉस्ट देख सकते हैं भाई कितनी साउंड एग्जॉस्ट की बंदे की। और हम पहुँच चुके हैं अभी नमोल काम धेनु प्लांट के पास भाई, रोड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। अभी कैसा इशारा कर रहा है ये, पता नहीं क्या कर रहा है भाई रोड के बीच में। पेट्रोल 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 भाई, दूल्हे राजा पेट्रोल भरवाने आए यहाँ पे, सामने में दुल्हन भी है। ये क्या सीन है, दूल्हे राजा क्यों रुके पेट्रोल पंप पे? ये 500 का कर दो। हंड्रेड में कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। तो गाइस हम पहुंच गए अभी ब्रह्मपुखर के पास, और गाइस बंदे आ चुके हैं हमारे, और चलते जरा अभी यहाँ से आगे रुकते हैं कहीं आगे चल के भाई चाय वगैरह या कुछ पानी वगैरह पी लेते हैं, मेरे को भाई भूख ही बहुत ज़्यादा लगी है। क्या बोल रहा है, लैपटॉप करो तो अपलोड? हाँ नहीं, तो गाइस चलते जरा अभी, बहुत टाइम हो चुका है, टाइम हमारे को यहीं पर हो चुका है 2:42। तो निकलते हैं भाई फटाफट। अरे भैया हट जा, कहाँ चला है तू ऊपर ऊपर को, आगे देखते जरा, आजा जल्दी भाई। अभी स्पीड है मेरी आप देख सकते हैं भाई 80 के आसपास, और फिर भी देख ऐसा लग रहा है जैसे कि बाइक हवा में बातें कर रही है मेरी। तो भाई पीछे बंदा बैठा हुआ, बंदे ने मेरे को कस के पकड़ लिया हुआ, ये बात। अबे रुक जा भाई, तो यहाँ से लगती है हमारी रेस भाई। इसकी स्पीड कितनी होगी अभी, इसकी होगी 100 के आसपास। एक तो इसके पास प्लस पॉइंट है, इसका एग्जॉस्ट ओपन है भाई, जो एयर फ्लो है वो बिल्कुल ईजिली तरीके से चलता है। अरे ये नहीं करते यार स्पीड मीटर चेक, इसमें कुछ नहीं होता, चलान वगैरह कुछ नहीं कटेगा भाई, मेरी स्पीड आ रही है 64। अबे ऐसे लगे भाई ये,
और गाइज यहाँ से कटता है चंडीगढ़ के लिए रोड अलग से लेफ्ट साइड के लिए और स्ट्रेट जा रहा है मनाली के लिए। यहाँ से रहता है चंडीगढ़ 102 एंड मनाली है 169। तो ये बात, ओ बाबे आंख फूट गई इसकी। अबे यार हमसे मुकाबला की मजा भाई। आप देखते भाई स्पीड तो मैंने 100 के आसपास क्रॉस कर ली है, पर भाई बाइक भी भाग रही है, मतलब उतना दम नहीं दिखा रही है बाइक, 100 से आगे नहीं हो रही है मेरी जो स्पीडोमीटर की सुई है, क्रॉस नहीं हो रही है। अब थोड़ा यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ेगा भाई क्योंकि आगे लगे हुए स्पीडोमीटर ये काम नहीं कर रहा है। अबे यार गलत कर ली स्लो डाउन भाई बोथ साइड को कैमरा लगे हुए और ये जैसे ही हमारी स्पीड जितनी भी रहती है वो ऊपर दिखा देता है डिजिटल मीटर लगा हुआ। तो आई थिंक हो सकता है कि ये हमारे चालान ना कट जाएगा ही ऑनलाइन ही, तो इसके लिए हम थोड़ा बाइक को स्लो डाउन करते हैं यहाँ पे। और ये पहुँचेगी दूसरे छोर पे, ज़रा मज़ा लेते हैं टनल का। बात साउंड अंदर यार बहुत ही गूंज रही है इसके एग्जॉस्ट की, आपको साइड पता नहीं साउंड सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है। अबे भूत नहीं के साथी का बिल्कुल, क्या बंदा है यार, ऐसा लगा कि बिल्कुल साथ से टच करके गई बाइक यहाँ पे। इस आगे निकलते यार, बलोह के पास है भाई ये और हम निकलेंगे यहाँ से साइड से बिकॉज की टू व्हीलर इज फ्री ऑलवेज, हमेशा की तरह लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा यहाँ पे। हम पिछले जब हम गाड़ी में आए थे भाई तो यहाँ हमारे पास फास्ट टैग नहीं था तो काफ़ी देर लाइन में लगना पड़ा। वैसे यहाँ का तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लेह लद्दाख में पहुँच गए हैं, जैसे ये मिट्टी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त। हो रे बाबा ये कैसे टिके यार, बरसात के टाइम में मेरे को लगता नहीं है कि टिक पाएंगे ये लोग। तो भाई एक और टनल मिलती है हमारे को देखने का और ये है टनल नंबर 5। अब जगह का पता नहीं कौन सी जगह है पर भाई टनल है बहुत ही ज़बरदस्त। अगेन एंट्री, लेंथ 740 मीटर है भाई ये। ओ यार ठंड लग रही है ना, है ना यहाँ से चलना, ये जो यहाँ से पार्क हो ठीक है ठीक है। हमें रोड खराब, मिट्टी ही मिट्टी, अरे अरे भाई स्लिप होने का डर है यहाँ पे। अरे यार ये क्या सीन है, आफत आफत है ये तो यार। अब कहाँ को जाए, राइट को जाए लेफ्ट को जाए, ये लेफ्ट से चला हुआ। ओ भाई साथ में ये झील इतनी बड़ी, ऊपर वाला रास्ता है नीचे वाला नहीं है, ऊपर वाला ही है हाँ, ऊपर से आजा है ना, सुना ऊपर चलते। अरे कहाँ गए तो गाइस हम पहुंच तो गए एंड पॉइंट पर, यहाँ पे भाई क्लोज हो चुका है गेट गुड पूरा। अब यहाँ से हमारे को एंट्री पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी नीचे से अब यार कहाँ फंस गए हम, बोल इनको खोल दो यार, पहुंचने वाले हम ऑलमोस्ट है सर, वापिस जाए। बंदे ने इशारा कर दिया यार वापिस जाने के लिए, संतरी पोस्ट, चलो यार वापिस चलते हैं। तो गाइस यहाँ से हमें वापस जाना पड़ रहा है, अभी रुक जा कहाँ चला। वन रूम को हमने कन्फर्म कर दिया भाई, हम जा रहे हैं झोंपड़पट्टी से होते हुए, हमें फिर से भूल गए यार ये ना। भाई कहाँ पूछ रहे हम यार मिलता है आजा आजा तो तो भाई हम सुंदरनगर तो पहुंच गए और हम निकल रहे भाई झोंपड़पट्टी के एक मोहल्ले के बीच से, और पता नहीं हम कहाँ पहुंचेंगे अभी खुद भी नहीं पता हमें, अब शायद हम यहाँ आके भटक चुके हैं।
अबे ट्रैक्टर वाले भैया पास दे दो। उफ यार गंदी स्मेल यहाँ पे। भटकने के बाद हम पहुंच चुके हैं मेन रोड में, और फिर भी भाई मेन रोड रह गया सामने राइट साइड को। पर ऐसा शुक्र है कि हम लेफ्ट के जाते जाते यहाँ आगे एक ब्रिज भी आ रहा था, बीच में छोटे छोटे पुल बने हुए हैं, हम क्रॉस हो सकते हैं वहाँ से। और हम लोग जा रहे हैं अभी बिल्कुल नहर के साथ साथ से। अबे यार पता नहीं हम यहाँ रास्ते से भटक भटक के आए कहीं से। फुटब्रिज जब हम चले जाएंगे इसके ऊपर से होते हुए ही दिख ही जाएगी। अब अबे यार ये संकरे रास्ते। तो भाई हम फाइनली मेन रोड में पहुंच ही गए जैसे तैसे करके भटक भटक के। अबे यार ये सब्जी मंडी वाला रोड पे पहुंच गया। ये सब्जी मंडी है यहाँ सुंदरनगर में, तो कोई बात नहीं हम आगे मिल जाएंगे मेन रोड में। हम पहुंच तो गए। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं डडौर। यहाँ पे पता नहीं कितना रहता है मंडी, अभी हार्डली 10 या 15 किलोमीटर के आसपास तो रह ही गया होगा। तो फाइनली हम हो चुके हैं एंटर डडौर के आसपास। और मेन हाईवे नहीं आ रहा यार, वो जो मेन हाईवे दिखता है यहाँ से, अच्छा वो सामने रहा, इसको बोल ऊपर से आ जा, ऊपर से आ, ऊपर से, ऊपर से आ, फोर लेन से होते हुए। कर सकते हैं भाई बाहर का क्या खतरनाक मौसम है भाई बाहर का, देख सकते हैं आप। आता है हमारे को मंडी 12 किलोमीटर, तो शायद हम पहुंच ही जाएंगे 15-20 मिनट के अंदर हम मंडी में होंगे वहां पे। तो गाइस यहीं से आप भीड़ को देख सकते हैं, और ये देवी देवता जो जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई मंडी, महाशिवरात्रि, और ये सभी लोग जा रहे हैं मंडी के लिए। हम इनसे आगे चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं जरा आपको, भाई बहुत ज्यादा क्राउड है और ट्रैफिक देख सकते हैं आप, ये बात। तो शायद हम राइट टाइम पे पहुंचे यहाँ पे, हमारे को देवताओं की जो झांकियाँ निकली है वो देखने को मिल रही है यहाँ से अभी से ही। ये बात भाई चौड़े हो रहे बंदे यार। बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक है भाई, हर तरफ पुलिस ही पुलिस, चप्पे चप्पे पे पुलिस है भाई। अबे जाने दो यार। भाई इतनी सारी क्राउड और। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं भाई मंडी में, और ये सामने रहा बस स्टैंड, और यहाँ पे एक रथ और आता हुआ भाई। शायद ये सब लोग घर को जा रहे हैं, हम लोग लेट हो गए, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं। जो यहाँ के रथ है भाई बहुत फेमस है, और जो मंडी की महाशिवरात्रि बहुत ही फेमस है। और रथ को देख सकते हैं भाई कितना सुंदर रथ है। कितना प्यारा है ना। एक और रथ आ गया पर इसे तो आई थिंक ना हम लोग बहुत लेट हो गए यार, मतलब यहाँ हमारे को 1-1.5 बजे के आसपास होना चाहिए था, जिसकी वजह से हम पूरा कैप्चर कर पाते मोमेंट को। देव गरल। तो गाइस एक और रथ आ चुका है भाई,
गाइस ये समझ नहीं आ रहा भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। और अपने यहाँ लोकल से पूछा वो बता रहे हैं भाई देखो यार कितना क्राउड है यहाँ पे। एक और रथ आ रहा है भरे से अभी। टाइम बाद भाई थक हार के हम बैठ चुके हैं यहाँ पे। जो भी देवता आ रहे इनके रथ आ रहे वो भी सिर्फ घूम रहे हैं यहाँ पे। और कल इनका डांस होगा भाई कहीं जाके, कल नाचेंगे ये सब लोग, पता नहीं कहाँ नाचेंगे अब। और हम लोग आज ही पहुंच गए। और देखिए एक हमारे ब्लॉगर यहाँ पे मिस्टर फुगो बंदे ने भाई हमारे को ना घर से इतना दौड़ाया कि जल्दी चलो पर जल्दी पहुंचने कोई फायदा नहीं हुआ। बोला है कम डाड़ी होनी ना शायद। क्राउड देख सकते हैं आप कितना क्राउड है भाई पूरे देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी हमारे देवगण है और देव यात्रा रथ यात्रा है देवता की वो अभी सारी परिक्रमा कर रही है पूरी मंडी गेड़ी मार रहे परिक्रमा कर रहे हैं मतलब पूरे उसकी। और फिर यहाँ पे जो ग्राउंड है यहाँ पे ये शाम को तक आज रात को सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक मंथ पूरा चलेगा ये, एक महीना पूरा चलेंगे तो गाइस अभी ये सब लोग यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं पूरी मंडी शहर की। और कल नाचेंगे ग्राउंड के अंदर। तो गाइस हम बैठ चुके हैं भाई यहाँ ग्राउंड में और आप देखते हैं यहाँ पे क्राउड बिल्कुल भी नहीं है ना मात्र। अरे इतना बड़ा ग्राउंड है ये पर तक पूरा है भाई। जो देवता वगैरह है वो सारे घूम रहे पूरे बाजार में यहाँ वहाँ। अब कल होगा इनका यहाँ पे जो नृत्य है ना IPS वगैरह सामने खड़े भाई 2 IPS। तो गाइस अभी हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे हैं और अभी घर के लिए भाई थक चुके हैं बहुत बुरी तरह। 2 स्टार इसको लगे हुए यार। हाँ दो स्टार इसको लगे पर ना देखिए 2 स्टार है। तो भाई थोड़ा और कुछ खा लेते हैं फिर पूजा कर लेते हैं फिर मिलते हैं। बात तो गाइस हमने भाई खाने के लिए ले चुके हैं अपने कुलचे और परे बैठ के खाएंगे हम यहाँ साथ में। और इतना बड़ा क्राउड भाई क्राउड से फुल है और इसके अंदर भी स्टॉल लगे भाई अंदर। और इसके अंदर क्या है यशु ये जो 2 टेंट लगे इनके अंदर क्या है? एग्जीबिशन है इसके अंदर है। चलेंगे अंदर अभी जाएंगे अभी है नहीं अभी तो ऐसे घूमेंगे अंदर चल के थोड़ा थोड़ा। सो गाइस अभी शॉप्स लगना तैयार हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम जो है अभी जा रहे हैं अब ग्राउंड ले रहे हैं हम भी फाइनल अब मेले का थोड़ा यहाँ का चलो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे है
जहाँ जहाँ शॉप्स लग रही है और जो भी है उसके बाद चलते। तो अभी चलते गेट से बाहर। और कितने में बैठते हैं? हाँ जी, ये कितने में? ये सर 4500 का। जाम भी बहुत। हाँ जी, ये सेफ्टी के लिए ही है ना वैसे। तो अंकल मिले हमें, पूछ रहे थे घूमने का भी फी है। हाँ जी, वो कनेक्टिविटी मिलती है इसमें साथ में। तो अंकल पूछ रहे थे हेलमेट का, कि हेलमेट कितने का लिया आपने। सो गाइस, हमारी बाइकें हो चुकी है फिर से स्टार्ट और हम हो रहे भाई घर के लिए यहाँ से रवाना। हाँ, फोटो वाटो कुछ नहीं। और भाई देवता फिर से आ रहे हैं भाई, ढोल नगा रहे फिर से सुनाई दे रहे परे। तो गाइस हम तो भाई थक चुके हैं यहाँ वहाँ पैदल चल के। और ये भाई देख सकते इतनी बड़ी तलवारें लेके। ओ बाबा, ये देवते क्यों तलवारें साथ में नहीं चले हुए जो बंदे? ओ यार, तीन तीन है। गाइस चलते हैं घर के लिए, लेट हो गए, पहले अंधेरा भी होने वाला, मौसम देख सकते हैं बाहर का। और तो गाइस जैसे हम घर को जा रहे थे भाई, यहाँ पे आ गए फिर से बहुत सारे देवता। और इस साइड से तीन चार आ रहे हैं और इस साइड से भी तीन चार आ रहे हैं। ओ भाई, अब इनका मिलन होगा यहाँ पे। ये वाले खतरनाक लग रहे हैं, बड़े वाले है ना। इनका कुछ पान के पत्ते भी है, क्या चीज है, फाइट होनी यहाँ।
यार चले। तो गाइस आप क्राउड देख सकते हैं यहाँ पे कितना भाई लोग साथ में चले हुए, और ये देवता जो है आ रहे जा रहे, और इनका जो है कल यहाँ पे डांस होगा कहीं अंदर मैदान में जाके भाई। अब कल तक तो हम रुक नहीं सकते यहाँ पे, आज सारे फिर यहाँ घूमेंगे, पूरे बाजार में घूम रही है पूरे रथ को लेके। तो अभी चलते जा रहा घर के लिए, और मिलते आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में भाई, क्योंकि आप देखते भाई अंधेरा भी हो रहा है ऊपर से, और अभी तो यहाँ से घर की दूरी है भाई 84 किलोमीटर। चले बारूद असला बारूद। तो गाइस चलते हैं घर के लिए, और बीडी 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 हर बाबा। तो गाइस मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट, बाय बाय। वो भूत आ रहा हूँ मैं पूरी तरह।